तो गाइस जैसा कि आप सुन रहे होंगे मेरी YouTube वीडियोस के बैकग्राउंड में आपको एक सॉन्ग सुनाई दे रहा होगा। अक्सर यूट्यूबर्स आज की डेट में इस सॉन्ग को अपनी YouTube वीडियोस में यूज करते हैं। गाइस मैं आपको बता दूंगा 98% जो यूट्यूब क्रिएटर्स है, चाहे वो छोटा यूट्यूब क्रिएटर्स हो चाहे वो बड़ा यूट्यूब क्रिएटर्स हो, इस सॉन्ग को अपनी यूट्यूब वीडियोस के बैकग्राउंड में लगाता है क्योंकि इससे उनकी यूट्यूब वीडियोस की क्वालिटी एनहांस हो जाती है और प्रोफेशनल लेवल की उनकी वीडियोस लगती है। गाइस अगर आप भी इस टाइप के सॉन्ग को अपनी यूट्यूब वीडियोस में यूज करना चाहते हैं वो भी कॉपीराइट फ्री, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप इस सॉन्ग को और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट कॉपीराइट। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए बने तो गाइस नीचे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आगे का सारा प्रोसेस मोबाइल की लाइव स्क्रीन पर बताऊं। तो गाइज आगे हम मोबाइल की स्क्रीन पर, गाइज अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उस सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट कॉपीराइट फ्री। आपको कभी कोई क्रेडिट देने की जरूरत नहीं, गाइज आपको उसको एक बार डाउनलोड कर देना है, आपको लाइफ टाइम आप अपनी यूट्यूब वीडियोस के बैकग्राउंड में उसको यूज कर सकते हैं। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर देना होगा। जी हाँ गाइज, आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करके आपको न्यू टैब लेके आपको सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल को डेस्कटॉप वर्जन में यहाँ पर ओपन कर देना होगा। तो गाइज सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल को डेस्कटॉप वर्जन में ओपन कर दूंगा, जो भी बीटा वर्जन में ओपन होता है। तो गाइज मेरे ये रहा चैनल का डैशबोर्ड। तो गाइज आप भी अपने यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में ऐसे ओपन करना है। तो गाइज ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइज ऐसा इंटरफेस आने के बाद सबसे पहले आप देखें यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन है। तो गाइज आपको म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइज म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करने क्योंकि यहाँ आपको ऑडियो लाइब्रेरी जो यूट्यूब हमें खुद रेकमेंड करता है कुछ म्यूजिक जो कॉपीराइट फ्री है फॉर एवर के लिए आपको इजिली मतलब यूज कर सकते हैं, आपको कभी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। तो गाइज आपको इस मतलब म्यूजिक की लाइब्रेरी में आ जाना है। लाइब्रेरी में आने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइज सर्च के ऑप्शन पर उस सॉन्ग का नाम मैं आपको बताऊँ, आपको लिखना है CROC के, आपको क्रॉक लिखना है, फिर लिखना है POT आपको। तो गाइज आपको क्रॉक पॉट लिखना है, फिर आपको सर्च कर देना है। तो गाइज सर्च करने के बाद आपके सामने ये रहा सॉन्ग। तो गाइज ये मैंने आपके सामने सॉन्ग चला दिया, अब मैंने इसको बंद कर दिया सॉन्ग को। तो गाइज इस सॉन्ग को चलने देंगे। तो अगर आपको उसको डाउनलोड करना हो तो गाइज आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है, आगे की तरह आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। तो गाइज आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, आपके सामने यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपको डाउनलोड करना है। तो गाइज ये आपके सामने यहाँ से सॉन्ग इजिली डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने मेरा सॉन्ग जो डाउनलोड हो गया। उसके बाद आपको इस सॉन्ग कहाँ मिलेगा, तो गाइज आपको अपने फाइल्स को ओपन कर देना है। तो गाइज फाइल्स को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको अपनी फाइल्स को ओपन करके दिखाऊंगा। तो गाइज ये कर दिया मैंने आपके सामने अपनी फाइल्स को ओपन। सबसे पहले फाइल्स को ओपन करने के बाद आपको ऑडियोज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइज ऑडियोज के ऑप्शन पर सबसे टॉप पर आपको जो डाउनलोड होके वही यूट्यूब वीडियोस। तो गाइज कुछ इस टाइप से आप इस सॉन्ग को डाउनलोड करके आप अपनी यूट्यूब वीडियोस के बैकग्राउंड में इजिली यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये थी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियोज को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।